हेलो दोस्तों, अनीताज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी मसाला। अगर मेरा बिरयानी मसाला का रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिसके लिए हमने लिया है ये खड़े मसाले सभी, इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब हम मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। धनिया 2 चम्मच, जीरा 2 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च, 10-12 लौंग, 4 बड़ी इलायची, 10 छोटी इलायची, जावित्री 4-5 टुकड़ा ले लीजिएगा, चक्रफूल, इसे स्टार अनीस भी बोला जाता है, 2, अगर आपके पास ज्यादा है तो 4 भी डाल सकते हैं, दालचीनी 3-4 इंच ले लिए हैं, मेरे पास पतला वाला है इसलिए ज्यादा लिए हैं, अगर आपके पास मोटा वाला है तो इसे आप 2 इंच लें, 1 जायफल और 1 चम्मच सौंफ। चार पांच तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च 5-6, इसे एकदम सीम आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस मसाले को आप एकदम तेज धूप में भी सुखा कर पीस सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हल्का ड्राई रोस्ट करके पीसने से मसाला को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। मसाला हमारा भुन गया है, एकदम हल्का हल्का खुशबू आने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। जायफल को हम चाकू से काट लेंगे, ये आसानी से कट जाता है, या इसे कूट भी सकते हैं, ऐसे हम पीस लेंगे। इसे बहुत चिकना नहीं पीसना है। मसाला हमने पीस लिया है, अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे बहुत चिकना नहीं पीसे हैं, हल्का इस तरीके से पीसेंगे। अब हम इसमें मसाले मिला लेंगे, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप नमक नहीं भी डाल सकते हैं, नमक डाल के रखने से मसाला जल्दी खराब नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा नमक मिक्स कर लें और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में इसे बंद करके रख लेंगे। इस मसाले से एक बार बिरयानी बनाकर जरूर खाएं, मार्केट के मसाले से भी ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनता है। अगर मेरा बिरयानी मसाला पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।